आज हम बात करेंगे कि आखिर अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। दोस्तों, नॉर्मली हम इन दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। जो अकाउंटिंग होती है दोस्तों, दैट इज बॉडी ऑफ नॉलेज जो कंसिस्ट करती है दोस्तों प्रिंसिपल्स को, अजम्पशन को, कन्वेंशन को और कंसेप्ट्स को, और जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी लेन देन होंगे उनको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, इनको रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासिफाई करना और इनका एनालिसिस करना, ये इस टर्म को कहा जाता है दोस्तों अकाउंटिंग। अब दोस्तों, जब हम इस पूरे प्रोसेस की प्रैक्टिस करेंगे और इसके जो बीच के कॉज एंड इफेक्ट को निकालेंगे, इतना सब और करेंगे, तो इस टर्म को कहा जाता है अकाउंटेंसी। तो यही डिफरेंस है दोस्तों अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। कहने का मतलब कि जो बॉडी ऑफ नॉलेज होगी, जो कंसिस्ट करती है प्रिंसिपल, अजम्पशन, कन्वेंशन एंड कंसेप्ट, और उसके अलावा आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है, एनालिसिस करती है, इस टर्म को कहा जाता है अकाउंटिंग। और जब इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस एंड इसके बीच के कॉज एंड इफेक्ट को हम मेजर करते हैं, तो उस टर्म को कहा जाता है दोस्तों अकाउंटेंसी। आइए थोड़ा सा इसको लीगल लैंग्वेज में लिखते हैं। प्रैक्टिस एंड आर्ट ऑफ साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटेंसी।